I'm Ishi Khosla. Ma'am, what message would you like to give today? Because you have joined this event, Gut Health and Lifestyle Disorder. What message would you like to convey? Well, we've organized this event. I'm the founder president of the Celiac Society of India. हम लोगों ने ये इसीलिए किया है कि लोगों तक, जनता तक और मेडिकल प्रोफेशनल्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स सब तक ये बात जाए कि हम जो अनाज खा रहे हैं वो हमारे लिए ठीक होना चाहिए और हमारे सेहत को इम्प्रूव करनी चाहिए. अगर हम कोई ऐसा अनाज खाते हैं जो हमारी सेहत को ख़राब कर रहा है तो हमें उससे हटना है और उसको बदलना है. तो द राइट ग्रेन चॉइस इज़ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन. द ग्रेन चेंजर इज़ अ गेम चेंजर. तो अगर आप ऐसे अनाज खा रहे हैं जो आपकी अंतरियों को ख़राब कर रहे हैं या आपका खाना आपको पचाने में दिक्कत आ रही है तो वो आप को अवॉइड करके मिलेट्स की तरफ आएँ और अपनी गट और डाइजेशन पे फोकस करें अगर आपने बीमारियों से बचना है और अगर आपने बीमारियों को ठीक करना है और अगर आपने अपने बच्चों को, अगली जनरेशन को बचा के रखना है. मैम, हमने फूड इंटॉलरेंस टेस्ट के बारे में सुना था. क्या है ये टेस्ट और ये कितना बेनिफिशियल है लोगों? फूड इंटॉलरेंस टेस्ट एक टूल है जिससे आपके खाने में जो अगर कोई चीज़ सूट नहीं कर रही उसको डॉक्यूमेंट करना और उसके बारे में किसी इंडिविजुअल को जानकारी देना. मतलब एक तो होता है कि मुझे लगता है कि मुझे चीज़ सूट नहीं कर रही, लेकिन एक होता है कि आपने टेस्ट करा के उसको डॉक्यूमेंट किया, तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है. मुझे पता है कि मेरे को गेहूं से प्रॉब्लम है लेकिन मेरे पास कोई उसका परिमाण नहीं है, तो उसको करने के लिए हम ये टेस्ट कराते हैं. और इस टेस्ट के बहुत फ़ायदे हैं. तो एक आम इंसान के लिए एक एविडेंस बन जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको परेशान कर रहा है.